राज्य के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से झटका लगा है। मुंबई की एक अदालत ने दोनों नेताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 10 जून को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने जमानत अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है। एनसीपी के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग अलग मामले में फिलहाल जेल में बंद है। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी की।